हाय एवरीवन, वेलकम टू खाना खजाना किचन चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही हेल्दी और टेस्टी सी रेसिपी, जिसे हम बनाकर तैयार करेंगे लेफ्ट ओवर रोटी से। ये रेसिपी बहुत ही जल्दी और टेस्टी से बनकर तैयार होती है, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने रात की बची हुई रोटी ली है, ये 7 से 8 रोटी है। आज हम इसी रोटी का ही अपना जो रेसिपी है बनाकर तैयार करेंगे, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। आप इसके लिए ताजी रोटी का भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से हम इसे रोल कर लेते हैं और इसे इस तरह से पतले पतले पीसेस में कट कर लेंगे। अब देख सकते हैं मैंने कितना पतला पतला पीसेस किया है। इसी तरह से हम सारे पतले पतले पीसेस करके सारी रोटियों के तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने सारी रोटियों का टुकड़ा कर लिया है। बहुत ही आसानी से रोटी हमारी जो है कट जाती है। तो चलिए हम आगे का प्रोसेस करेंगे। इधर मैंने ऑयल रख दिया था, ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, बहुत ज़्यादा नहीं, मीडियम ऑयल गर्म करेंगे। गैस को लो टू मीडियम कर देंगे और अपनी रोटी को इसमें डाल देंगे। रोटी को हमें अच्छी तरह से क्रिस्पी होने तक पका लेना है और हल्का सा ब्राउन कर लेंगे। अब देखेंगे बहुत ही जल्दी हमारी रोटी जो है क्रिस्पी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है रोटी क्रिस्पी होने में इसमें। तो ये देखिए, इस तरह से 1 से 2 बार पलटते हुए हम रोटी को चला लेंगे। तो ये देखिए, 5 मिनट भी नहीं हुए कि हमारी रोटी जो है अच्छी से क्रिस्पी हो गई है, कलर भी चेंज हो गया है। तो देखिए, इस तरह से हमें इसे निकाल लेना है। इसी तरह से हम सेकेंड बैच भी तैयार करेंगे अपना। तो मैं फिर से इसमें और रोटी को डाल दे रही हूँ और इसे अच्छी तरह से फ्राई कर निकाल लेंगे। तो देखिए, इस तरह से अलटते पलटते हुए फ्राई कर लेंगे। सेकेंड बैच भी हमारा तैयार है, निकाल लेते हैं। तो ये मैं निकाल ले रही हूँ। अब एक बड़ा बर्तन लेंगे, इसके अंदर हम अपने सामान ऐड करेंगे। एक प्याज को डाल देंगे बारीक कटा हुआ, एक बारीक कटा हुआ टमाटर और तो ढेर सारा पत्ता गोभी बारीक काट कर डाल देंगे इसमें। सब्जी आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, कोई भी। इसमें डालेंगे ढेर सारा हरा धनिया, मिक्स कर लेते हैं एक बार अच्छी तरह से सारी चीज़ों को। तो ये देखिए, मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे अपनी फ्राई की हुई रोटी को। इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हल्के हाथों से करिएगा, रोटी हमारी क्रिस्पी है तो टूट सकती है, तो हल्के हाथ से करेंगे। इसमें डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और ये मैंने 2 चम्मच सेजवान लिया है, घर का बना हुआ सेजवान है। आप सेजवान की रेसिपी मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं फ्रेंड्स। बहुत ही हल्के हाथों से करिएगा क्योंकि हमारी रोटी जो है बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बननी है। तो ये देखिए, हमारा जो रोटी का डिश है तैयार है बनकर। तो ये लीजिए, हमारा चाइनीज़ भेल देखिए बनकर तैयार है। है ना कितना आसान बनाने में। तो चलिए आप फटाफट से इसे सर्व कर लेते हैं। तो ये देखिए, मैंने इसे सर्व कर लिया है। हमारा रोटी का चाइनीज़ भेल बनकर तैयार है। लग रहा है ना कितना टेस्टी और बनाना कितना आसान है और खाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।